उमा देवी यानी कि नीलू वाघेला कर रही हैं अर्घ देने की तैयारी। तो सास बहू और बेटिया में देखते हैं छठ पूजा के अलग अलग रंग। रंग नंबर एक, उमा देवी की भक्ति। आजाद चैनल के सीरियल पवित्रा की उमा देवी यानी कि नीलू वाघेला आज सेट पर ही मना रही हैं छठ पूजा का त्योहार और बड़े ही श्रद्धा भाव से कर रही हैं छठी मैया की पूजा। आज मौका है अर्घ देने का। नहाए खाए और खरना के बाद आता है ये पर्व। वैसे एक्टर्स को कम ही समय मिलता है कोई भी त्योहार मनाने का, लेकिन आज पवित्रा की सासुमा उमा देवी यानी कि नीलू वाघेला सेट पर ही छठी मैया की पूजा का सामान तैयार कर रही हैं, जिसमें है सूपा, फल, नारियल, दिया, पूजा की थाली और कुछ सब्जियां। और इसी सामान के साथ उमा देवी करेंगी छठी मैया की पूजा। वैसे आपको बता दें कि सीरियल में उमा देवी का परिवार मेरठ का ही है और आज पूरे रीति रिवाजों के साथ नीलू वाघेला तैयारी कर रही हैं अंतिम अर्घ की। सबसे पहले तो आपको सब गुड न्यूज़ टुडे को पवित्रा के सेट पर आने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। और क्योंकि हम मेरठ शहर की कहानी है और बैकग्राउंड जो है वो थोड़ा सा बिहार का है, यूपी का है, तो छठ पूजा की तैयारी चल रही है हमारे यहाँ पे। और वो छठ पूजा कैसे की जाती है उसके लिए हम कैसे तैयारी करते हैं, यानी पवित्रा के शो के अंदर ठकुरायन कैसे तैयारी करती है वो आपको दिखाती हूँ मैं। देखिए, छठ पूजा में सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है ये सुपड़ी का, और इसी को पूजा जाता है, इसी में सारी चीज़ें रखी जाती है। यही एक सम्मान है, ये खुशी का रूप है ये, और इसमें जीवन में सुख शांति मिलती है। और ये हमारा मानना है, एक महिलाओं का मानना है, और इससे भावनाएं बहुत जुड़ी होती है। तो मैं आपको बताती हूँ, शुरुआत करती हूँ। यहाँ पे फ्रूट्स है, यहाँ पे वेजिटेबल्स भी है, ये अरबी है और ये चौली है, गाजर है, एप्पल है, केला है, नारियल है जिसका बहुत मान होता है, यहाँ हल्दी भी है और फूल भी है कुछ, और आपकी इच्छा अनुसार आप और भी बहुत सारी चीज़ें सुपड़े में रख सकते हैं, पर ये हमने हमारे हिसाब से यहाँ सेट के अंदर जितना अवेलेबिलिटी थी उसके हिसाब से हमने किया है। कहते हैं ना, पूजा अगर सच्चे मन से की जाए तो भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं। उसमें ये नहीं देखा जाता कि आपने कितने फल रखे हैं, श्रद्धा कितनी मजबूत है आपकी वो जुड़ जाती है इस चीज़ से। तो मैं शुरुआत करती हूँ, पहले हल्दी से इसको पूजा जाएगा। तो ये तेल है दीपक का, इसके साथ मैं हल्दी को जोड़ती हूँ और ये ऐसे एक छोटा सा टीका सा बनाती हूँ। इसे यहाँ कुंडल में रखते हैं और साथ साथ में हम जैसे ये फल है उसको सजा दीजिए। वैसे आपको बता दे कि तीसरे दिन उपवास रखकर डूबते हुए सूरज को अर्घ दिया जाता है, साथ ही विशेष प्रकार का पकवान जो कि ठेकुआ और मौसमी फल चढ़ाए जाते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा, और पहली बार मैंने छठ पूजा की है और इतना अच्छा लगा कि मतलब सौभाग्य मिला मुझे ये पूजा करने का और इस सूप को तैयार करने का।
और शायद माँ की कृपा रही होगी और आशीर्वाद रहा होगा। और मैं थैंक्स बोलती हूँ सास बहू और बेटियों को कि मुझे ये मौका मिला। इसमें मैंने देखिए, सबसे पहले तो सूप होता है, उसको पूजा जाता है हल्दी से, हल्दी का तिलक लगाया जाता है, फिर उसके बीच में नारियल रखा जाता है, फिर फ्रूट्स होते हैं, जैसे मैंने तो ऑरेंज है, एप्पल है, बनाना है, फिर उसके बाद गाजर है, चौली की सब्ज़ी है, अरबी भी है, तो ये सारी चीज़ें, फिर एक दीपक होता है जो आपके ज़िंदगी में हमेशा रोशन रहे, खुशियाँ रहे, वो है माता जी को, माता जी के चरणों में अर्पण किया जाता है। और ये सूप जब सजा तो मुझे खुद को ऐसा लगा कि शायद माँ जी, माता जी जो है वो आशीर्वाद दे रही है, एंड रियली थैंक यू, और मुझे बहुत अच्छा लगा। ये मैंने उसके लिए किया है कि वो इस शो में बहुत आगे बढ़े, इसका बहुत नाम हो और हमारे इस सेट पर सुख शांति रहे, पॉजिटिव वाइब्स रहे। मैं आप सबको छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। हैप्पी छठ पूजा। रंग नंबर 2, सुहागनों का साज श्रृंगार।